हो काल गति से परे चिरंतन, कभी कहाँ थे कभी कहीं हो, कभी धरा पर कभी गगन में, कभी यहीं थे कभी यहीं हो। तो जन्माष्टमी की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। तो आज जब मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ तो जन्माष्टमी है, आप सभी के लिए मैं मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आ गया हूँ क्लास 11 सोशियोलॉजी के। ठीक है, हो सकता है आपको ये वीडियो आज ही मिल जाए या फिर आपको कल पक्का मिल जाएगी वीडियो। ठीक है, क्योंकि आज थोड़ा सा जन्माष्टमी के प्रोग्राम में बिजी हैं सभी, तो इसी वजह से आपको ये वीडियो कल उपलब्ध हो जाएगी। तो आइए शुरुआत करते हैं। जैसा कि मैंने आपको क्लास 11 के सभी चैप्टर्स बहुत ही डिटेल में करा दिए हैं, एनसीईआरटी पैटर्न पे कराए हैं, प्लेलिस्ट बनी हुई है, उन सभी वीडियोस को आप जरूर देख लीजिए। ठीक है, आपकी एग्जाम की डेट शीट भी अनाउंस हो चुकी है, तो इसीलिए आज मैं आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसर लेकर आ गया हूं, वो भी चैप्टर वाइज। तो आज हम अपना क्लास 11 सोशियोलॉजी चैप्टर वाइज स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो मैं गोविंद शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं रोशन साई स्टडी पॉइंट में। आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे और अपनी सेहत का भरपूर ध्यान रख रहे होंगे। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं अपना चैप्टर नंबर 1 के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स। ठीक है, जिसका आपको बेसब्री से इंतजार भी था कि भैया मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसर करा दीजिए, तो आज आपके लिए कराने के लिए मैं तैयार हूं। ठीक है, तो आइए मेरे साथ में जुड़िए। क्लास 11 का सोशियोलॉजी हमारा चैप्टर 1 समाज शास्त्र एवं समाज। ठीक है, तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं जो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, पूंजीवाद से आप क्या समझते हैं? पूंजीवाद से आप क्या समझते हैं? तो पूंजीवाद आर्थिक उद्यम की एक व्यवस्था जो कि बाजार विनिमय पर आधारित है। पूंजी से आशय कोई भी संपत्ति जिसमें धन हो, भवन हो, मशीनें आदि शामिल होती हैं, जो बिक्री के लिए वस्तुओं के उत्पादन में उपभोग की जाती हैं, जिसका मूल उद्देश्य क्या होता है? बिक्री करना और प्रॉफिट कमाना। ठीक है, अथवा बाजार में लाभ कमाने, यानी कि जो भी हम कह सकते हैं जिसमें हम किस चीज को शामिल करते हैं, तो हम इसके अंदर शामिल करते हैं अपने प्रॉफिट को, यानी कि लाभ कमाने के उद्देश्य से विनियोग की जा सकती है। यह व्यवस्था उत्पादन के साधनों और संपत्तियों के निजी स्वामित्व पर आधारित होती है, इसी को हम पूंजीवाद कहते हैं। और जब मैंने चैप्टर आपको कराया था चैप्टर नंबर 1, तो उसमें भी बहुत ही डिटेल में आपको ये सब चीजें मैंने बताई थी। ठीक है, तो उन चैप्टर को भी जरूर देखिए आप सभी। ठीक है, आज इसी में हम बात करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 2 की। ठीक है ना, तो मोर देन 15 क्वेश्चन जो मोस्ट इंपोर्टेंट है आपके लिए वो लेकर आ चुका हूं, 15 से ज्यादा क्वेश्चन है। ठीक है ना, 20 के अराउंड पर। ठीक है, तो क्वेश्चन है द्वंद्वात्मक विरोध से आप क्या समझते हैं? आखिर किसको कहते हैं हम द्वंद्वात्मक विरोध? जिसमें कह सकते हैं द्वंद्वात्मक सामाजिक ताकतों के विरोध की क्रिया या उनकी विद्यमानता, जैसे सामाजिक बाध्यता और व्यक्तिगत इच्छा, इनको समाहित किया जाता है। ठीक है, तो द्वंद जब भी होगा जब इसमें क्या होगा, एक व्यक्ति की इच्छा और एक सामाजिक बाध्यता, जब दोनों के बीच में जब टकराव होगा तब द्वंद निकल कर आता है, तो उसी को हम बोलते हैं द्वंद्वात्मक विरोध। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 3, आनुभाविक अन्वेषण। आनुभाविक अन्वेषण क्या चीज है? तो जिसमें समाज शास्त्रीय अध्ययन में दिए गए किसी भी क्षेत्र में की जाने वाली तथ्य परक जांच को ही क्या कहा जाता है? आनुभाविक आपका अन्वेषण। ठीक है ना, जिसमें शोध ये सब चीजें शामिल होती हैं। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4, नारीवादी सिद्धांत क्या है? आखिर हम नारीवादी सिद्धांत किसको बोलते हैं? इसमें आपका फेमिनिज्म का भी कॉन्सेप्ट आ जाता है। तो नारीवादी सिद्धांत एक समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण है जो सामाजिक विश्व का विश्लेषण करते समय लिंग की महत्ता को केंद्र में रखने पर बल देता है। यद्यपि इस सिद्धांत के कई तत्व हैं, लेकिन उन सब का एक सरोकार है, और वो सरोकार क्या है कि समाज में लिंग के आधार पर होने वाली सभी असमानताएं, ठीक है ना, उनको दूर करना है। ठीक है, यानी कि असमानता की व्याख्या करना एवं उनको दूर करने के प्रयास करने हैं, उसी को हम बोलते हैं नारीवादी सिद्धांत। फिर बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ कि सामाजिक बाध्यता से आप क्या समझते हैं या फिर क्या अभिप्राय है? ठीक है, तो सामाजिक बाध्यता एक ऐसा शब्द जो इस तथ्य को दर्शाता है कि हम जिन समूहों और समाजों के हिस्से हैं वे हमारे व्यवहार को अनुकूलता के हिसाब से प्रभावित करते हैं, उसको हम बोलते हैं सामाजिक बाध्यता। और जिसको भी स्क्रीनशॉट लेना होता है आराम से स्क्रीनशॉट ले लो इसका। ठीक है, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 6,
कि समाज में मूल्य की अवधारणा बताइए। ठीक है, तो क्वेश्चन कराते टाइम, ठीक है ना, मैं समझाता भी चलूंगा आपको, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 6 है कि समाज में मूल्य की अवधारणा बताइए, क्या कि समाज में मूल्य क्या है, किस चीज को शामिल कर रहे हैं। तो चाहे वो व्यक्ति हो या समूह हो, ठीक है, उनके द्वारा जो भी चीज हम मानते हैं, चाहे वो विचार हो, मानने वाला विचार कि क्या जरूरी है, क्या सही है, क्या अच्छा है, क्या बुरा है, विभिन्न मूल्य मानव संस्कृति की विभिन्नता के मुख्य पक्षों को दर्शाते हैं, उसी को बोलते हैं मूल्य। ये सामाजिक मूल्य भी हो सकते हैं, नैतिक मूल्य भी हो सकते हैं, ठीक है ना। तो उन चीजों को शामिल किया जाता है। फिर हमारा क्वेश्चन नंबर 7 कि समाज के अंतर्गत विरोधी सिद्धांत किस प्रकार अव्यवस्था फैलाते हैं, कि आखिर समाज है तो उसके अंदर किस प्रकार से अव्यवस्था फैल सकती है। तो जो विरोधी सिद्धांत क्या होता है, एक समाज शास्त्रीय दृष्टिकोण जो मानव समाजों में उपस्थित तनावों, विभाजनों और संघर्षरत रुचियों पर ध्यान केंद्रित करता है। तीन चीजें शामिल की गई हैं, तनाव, विभाजन और संघर्षरत रुचियां, ठीक है। संघर्षवादी सिद्धांतकार मानते हैं कि समाज में संसाधनों की कमी है और उनका मूल्य विरोध उत्पन्न करता है, क्योंकि समाज में कमी होगी तभी जाकर क्या होगा, उसका विरोध करेगा, क्योंकि एक के पास में ज्यादा चीजें मिलेंगी, ठीक है, क्योंकि समूह इन संसाधनों पर पहुंच और नियंत्रण स्थापित करने के लिए संघर्ष करते हैं। जनसंख्या बढ़ रही है और संसाधन कम है, तो जिसके पास में पावर होगी, शक्ति होगी, अब वो उसको पाने के लिए संघर्ष करेगा। तो यहां पर यही चीज है। तो कई संघर्षवादी सिद्धांतकार मार्क्स के लेखन से अत्यधिक प्रभावित हुए, इसी को हम बोलते हैं विरोधी सिद्धांत, ठीक है। आई होप आपको ये चीज क्लियर है। फिर हमारा क्वेश्चन नंबर 8, प्रकार्यवाद से आप क्या समझते हैं। तो प्रकार्यवाद, ये एक या दो नंबर में पूछ ले जाते हैं क्वेश्चन, ठीक है। एक सैद्धांतिक दृष्टिकोण जो इस धारणा पर आधारित है कि सामाजिक घटनाओं को उन कार्यों के रूप में सबसे अच्छी प्रकार से स्पष्ट किया जा सकता है जो वे निभाते हैं, अर्थात समाज की निरंतरता। समाज की निरंतरता में वे जो योगदान करते हैं, हम एक जटिल व्यवस्था के रूप में समाज को, जिसके विभिन्न भाग एक दूसरे के साथ कार्य करते हैं, को समझने की आवश्यकता होती है। इसी को हम क्या बोलते हैं, प्रकार्यवाद बोला जाता है, ठीक है, जिसके अंदर सभी लोग क्या होते हैं, एक समान रूप से शामिल हो जाते हैं, ठीक है। तो ये चीजें तो इसके अंदर शामिल होती हैं। अब आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है। तो शॉर्ट भी क्वेश्चन है इसके अंदर, लॉन्ग भी है, यानी कि जो चैप्टर नंबर हमारा जो 1 है, इससे बाहर आपको कुछ नहीं देखने को मिलेगा। तो समाज में पहचान क्या महत्व रखती है, पहचान क्या है, यानी कि आइडेंटिटी। तो एक व्यक्ति या समूह के चरित्र की विशेषताएं, जो हमारा कैरेक्टर है उसकी विशेषताएं, जो बताती हैं कि वे कौन है और उनके लिए क्या अर्थपूर्ण है, क्या सही है, क्या वो करना चाहते हैं समाज के अंतर्गत। तो वो पहचान के कुछ स्रोत होते हैं, जैसे लिंग के आधार पर पहचान, राष्ट्रीयता के आधार पर पहचान, या प्रजातीयता के आधार पर पहचान, या सामाजिक वर्ग के आधार पर पहचान। तो हम कहीं ना कहीं एक पहचान का हिस्सा बनना चाहते हैं, ठीक है। तो हमारी पहचान क्या, आइडेंटिटी क्या है समाज के अंतर्गत, तो वो इन सब चीजों के अंदर शामिल होती है, ठीक है। फिर हम बात करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 10 की। क्वेश्चन नंबर 10 है, उत्पादन के साधन क्या है। तो उत्पादन के साधन वे साधन हैं जिनके द्वारा समाज में भौतिक वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है, जिसमें ना केवल तकनीक बल्कि उत्पादकों के परस्पर सामाजिक संबंध भी सम्मिलित होते हैं, उसी को बोलते हैं हम उत्पादन के साधन, जिससे कह सकते हो कि जो मानव की आवश्यकता है उसको बहुत ही आसान रूप में वर्णित किया जाए, उनकी आवश्यकताओं को पूरा कर दिया जाए, वही चीजें शामिल होती है। अब आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 11, व्यष्टि समाजशास्त्र और समष्टि समाजशास्त्र में अंतर बताइए। तो देखो, व्यष्टि जो समाजशास्त्र है वो व्यक्ति से संबंधित होता है, और समष्टि वो हमारा क्या होता है, पूरे समूह से संबंधित होता है, ठीक है। जिसमें कह सकते हो आमने सामने की अंतःक्रिया की परिस्थितियों में प्रतिदिन के व्यवहार का अध्ययन सामान्यतः व्यष्टि समाजशास्त्र, जो प्रतिदिन हो रहा है वो व्यष्टि है, और जो थोड़ा बड़े पैमाने पर किया जाएगा वो समष्टि है। व्यष्टि समाजशास्त्र में विश्लेषण व्यक्तिगत स्तर पर या छोटे समूह में होता है, और समष्टि अर्थशास्त्र में विश्लेषण बड़े स्तर पर होता है। यह समष्टि समाजशास्त्र से भिन्न है, भिन्न है क्योंकि उसमें बड़े स्तर पर होता है, जिसका सरोकार बड़ी सामाजिक व्यवस्था से होता है, किसका, आपका समष्टि अर्थशास्त्र का, जैसे राजनीतिक व्यवस्था या आर्थिक व्यवस्था, ठीक है। ये भिन्न दिखाई देते हैं पर ये घनिष्ठ रूप से एक साथ क्या होते हैं, जुड़े हुए होते हैं, यानी कि कहने के लिए इसमें विभिन्नता दिखती है लेकिन ये आपस में अंतर संबंधित होते हैं।
फिर हम बात करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 12 की। तो क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा, मानव समाज और पशु समाज में क्या अंतर है। तो मानव समाज और पशु समाज में अंतर, तो मानव समाज क्या है, बोलने सोचने समझने की शक्ति होती है, ठीक है। इसके अलावा पशु समाज में बोलने सोचने समझने की शक्ति का अभाव होता है, नहीं होती है उनके पास। मानव समाज के पास में अपनी एक संस्कृति होती है, पशु समाज के पास अपनी संस्कृति नहीं होती है। मानव समाज स्वयं को व्यक्त करने के लिए भाषा का प्रयोग करता है, जबकि पशु समाज स्वयं को व्यक्त करने के लिए भाषा का प्रयोग नहीं करता है। वो मूक भाषा जिसको कह सकते हैं, फीलिंग जिसको समझ सकते हैं हम, ठीक है। फोर्थ है, भविष्य की चिंता करता है मानव समाज, योजनाएं बनाता है, लेकिन जो पशु समाज है वो भविष्य की चिंता नहीं करता है, वो वर्तमान में जीता है। फिर हमारा क्वेश्चन नंबर 13, समाज शास्त्र और राजनीतिक विज्ञान में संबंध बताइए, ठीक है। तो जिन्होंने भी वो वीडियो देखी है जो मैंने चैप्टर नंबर 1 कराया था, वो बहुत ही आसानी से इन क्वेश्चन को कर सकते हैं, ठीक है। तो बाहर कुछ भी नहीं है। तो कह रहे हैं समाज शास्त्र और राजनीतिक विज्ञान में संबंध क्या है, तो समाज शास्त्र और राजनीतिक विज्ञान, समाज शास्त्र समाज का विज्ञान है, राजनीतिक विज्ञान राज्य और सरकार का विज्ञान है। समाज शास्त्र दोनों संगठित और असंगठित समाजों का अध्ययन करता है, जबकि राजनीतिक विज्ञान केवल राजनीतिक रूप से संगठित समाजों का ही अध्ययन करता है। थर्ड है, समाज शास्त्र का व्यापक दायरा है, लेकिन राजनीतिक विज्ञान एक संकीर्ण क्षेत्र वाला विज्ञान है, क्योंकि हम सिर्फ और सिर्फ इसमें राजनीतिक विज्ञान पढ़ते हैं। इसके अलावा फोर्थ पॉइंट है, समाज शास्त्र मूल रूप से व्यक्ति का एक सामाजिक पशु के रूप में अध्ययन करता है, जबकि राजनीतिक विज्ञान एक राजनीतिक पशु के रूप में मनुष्य का अध्ययन करता है। उसको सिर्फ और सिर्फ अपना एक लिमिटेड है राजनीतिक विज्ञान, उससे बाहर वो नहीं जाता। लास्ट पॉइंट है, समाज शास्त्र का दृष्टिकोण समाज शास्त्रीय है, यह वैज्ञानिक विधियों के अतिरिक्त अपनी विधियों का अनुसरण करता है, लेकिन राजनीतिक विज्ञान का दृष्टिकोण क्या है, राजनीतिक है, राजनीतिक रूप से जुड़ा हुआ है। तो आई होप आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी। अब बढ़ते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि समाज शास्त्र और अर्थशास्त्र में संबंध बताइए, ठीक है। तो अगर वीडियो आपको पसंद आ रही है, ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपके, ठीक है ना, पिछले एग्जाम्स में भी पूछे गए हैं, तो वीडियो को शेयर जरूर कीजिए, लाइक जरूर कीजिए, और कोई भी अगर आपको तकलीफ है, कोई भी डाउट है, तो कमेंट जरूर कीजिए, ठीक है। आपको पता है कि मैं वैसे बीच में बोलता नहीं हूँ, ठीक है ना, लाइक शेयर इन सब के लिए, क्योंकि मेरा पूरा का पूरा ध्यान इसी चीज पर रहता है, लेकिन आप लोगों का दायित्व बनता है कि आप अपने मेंटर और अपने टीचर को ज्यादा सपोर्ट करें, शेयर कीजिए, ठीक है। तो हम बात करते हैं समाजशास्त्र और अर्थशास्त्र में संबंध। तो समाज शास्त्र और अर्थशास्त्र में क्या संबंध देखने को मिलता है, ठीक है। तो समाज शास्त्र एक सामान्यकृत ठीक है, तो समाजशास्त्र एक सामान्यकृत विज्ञान है, ठीक है, और अर्थशास्त्र एक विशेष विज्ञान है। समाजशास्त्र का दृष्टिकोण व्यापक है, और अर्थशास्त्र के अध्ययन की प्रकृति सिर्फ और सिर्फ व्यक्तिवादी है, क्योंकि वो व्यक्ति पर केंद्रित होता है। समाजशास्त्र के अध्ययन की प्रकृति समूहवादी है, सबको साथ लेकर चलता है समाजशास्त्र, लेकिन अर्थशास्त्र में आर्थिक चर को सटीक रूप में मापा जा सकता है एवं इसे मात्रा में अंकित किया जा सकता है, ठीक है। और समाजशास्त्र में सामाजिक चर मापना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि सभी क्या है, एक साथ समाहित है, ठीक है। अर्थशास्त्र को तो हम कर सकते हैं अलग, क्योंकि इसमें सिर्फ और सिर्फ हमें आर्थिक रूप का अध्ययन करना है, लेकिन समाजशास्त्र व्यापक क्षेत्र है, इसमें हम सिर्फ और सिर्फ आर्थिक इसका अध्ययन नहीं कर सकते। फिर अब भारत में समाजशास्त्र की आवश्यकता बताइए। आखिर भारत में हम समाजशास्त्र क्यों पढ़ रहे हैं, जबकि भारत तो इतना सारा विविधता वाला देश है, फिर भी बिल्कुल। तो भारत में अर्थशास्त्र सॉरी समाजशास्त्र की आवश्यकता क्यों है, क्योंकि भारत में व्याप्त क्षेत्रवाद है, भाषावाद है, संप्रदायवाद है, जातिवाद है, और समस्याओं को व्यवस्थित ढंग से सुलझाने के लिए समाजशास्त्र अध्ययन की आवश्यकता होती है। इतनी ज्यादा विविधता है तो उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट ना हो, उसको समझाने के लिए, उसको सुलझाने के लिए हमें समाजशास्त्र की आवश्यकता होती है। इसी कारण भारत में विभिन्न समस्याओं के समाधान हेतु समाजशास्त्र का अध्ययन अधिक लोकप्रिय होता जा रहा है, ठीक है। दूसरे समाजों के साथ तुलनात्मक अध्ययन होता है कि हमारी संस्कृति कैसी है,
पश्चिमी सभ्यता कैसी है, ठीक है ना। तो इन सब का तुलनात्मक अध्ययन कर सकते हैं। फोर्थ है सामाजिक गतिशीलता के बारे में पता चलता है तो वो हमारा क्या होता है, समाजशास्त्र की आवश्यकता भारत के अंतर्गत पता चलती है। फिर है क्वेश्चन नंबर 16, समाजशास्त्र और इतिहास में संबंध बताइए। अच्छा ये चीजें हो गई है भाई, ठीक है कोई बात नहीं, मैं वैसे बताता हूँ आपको समाजशास्त्र और इतिहास, ठीक है। ठीक है, तो समाजशास्त्र एक सामान्यकृत विज्ञान है जबकि जो इतिहास होता है हमारा, ठीक है ना, समाजशास्त्र के अंदर इतिहास, तो इतिहास का जो कह सकते हो उसका सिर्फ और सिर्फ हमारा जो पिछली चीजें जितनी बीत चुकी हैं उसके साथ में संबंध होता है, ठीक है। समाजशास्त्र समाज का अध्ययन करता है या इतिहास का अध्ययन करता है, इसमें जो चीजें पहले बीत चुकी होती हैं उसको शामिल किया जाता है, जबकि समाजशास्त्र में आपका वर्तमान, भूतकाल और भविष्य को भी शामिल किया जाता है। लेकिन इतिहास में हम क्या करते हैं, सिर्फ और सिर्फ हम इतिहास की चीजों का वर्णन करते हैं और इसमें सटीकता देखने को नहीं मिलती है कि हम एग्जैक्ट नहीं पता लगा सकते हैं इतिहास के अंदर, हम सिर्फ और सिर्फ उस पर रहते हैं क्या हुआ था, ऐसा हुआ होगा, ठीक है ना। तो इस चीज के ऊपर हम क्या करते हैं, पूरा का पूरा इतिहास अपना वर्णन करते हैं, ठीक है। बढ़ते हैं फिर क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ कि सरल समाज एवं जटिल समाज में अंतर बताइए। कि सरल समाज और जटिल समाज आप किसे कह रहे हैं, तो सरल समाज और जटिल समाज, तो भारत स्वयं परंपरा और आधुनिकता का, गांव और शहर का, जाति और जनजाति का, वर्ग एवं समुदाय का एक जटिल मिश्रण देखने को मिलता है। क्यों, क्योंकि इसमें हमारे पास में परंपराएं हैं, आधुनिकता है, गांव है, शहर है, ठीक है, जाति है, जनजाति है, लिंग है, ठीक है। तो ये सभी कहीं ना कहीं हमें देखने को मिलता है, ठीक है। तो इसी वजह से हमारा समाज जो है वो सरल भी है और जटिल भी है। तो लेकिन 19वीं शताब्दी में समाजों का वर्गीकरण जो किया गया है वो यही है, आधुनिक काल से पहले के समाज में जैसे शिकारी लोग थे, टोलियां थी, संग्रहकर्ता थे, चरवाहे एवं कृषक थे, कृषक एवं गैर औद्योगिक सभ्यताएं होती थी जिसको हम कहते थे ये सरल समाज है, ठीक है। लेकिन आज का समाज जो क्या है, औद्योगिक समाज है, इसको बोला जाता है जटिल समाज। फिर आता है डार्विन के जीव विकास के विचारों को समाजों के प्रकार, डार्विन के जीव विकास के विचारों का आरंभिक समाजशास्त्रीय विचारों पर दृढ़ प्रभाव था, ठीक है ना। डार्विन ने जो थ्योरी दी थी जीव विज्ञान की, ठीक है ना, उसी चीज के ऊपर आधारित है। और फोर्थ है ज्ञानोदय, एक यूरोपीय बौद्धिक आंदोलन जो 17वीं शताब्दी के अंतिम वर्षों एवं 18वीं शताब्दी में चला, कारण और व्यक्तिवाद पर बल देता है, ठीक है ना, जिसकी वजह से हम कह सकते हो कि जो समाज है बहुत ही ज्यादा जटिल होता जा रहा है इसको समझा जा सकता है। और सरल समाज में श्रम विभाजन नहीं होता है जबकि जटिल समाज में हमें ये विभाजन देखने को मिलता है कि हम किस तरीके से श्रम को विभाजित कर रहे हैं, श्रम का काम कर रहे हैं, ठीक है ना, जिसमें कुशल अकुशल इन सबको शामिल किया जाता है। फिर है क्वेश्चन नंबर 18, समाजशास्त्र की उत्पत्ति कैसे हुई। तो देखो समाजशास्त्र की उत्पत्ति हमें कैसे देखने को मिलती है, तो समाजशास्त्र का जो जन्म हुआ है वो 19वीं शताब्दी में हुआ है, ठीक है। और समूह के क्रियाकलापों में भाग लेने के लिए आवश्यक है कि समस्याओं को सुलझाया जाए, इन्हीं प्रयत्नों के परिणाम स्वरूप ही समाजशास्त्र की उत्पत्ति हुई है, ठीक है। और भारत के अंतर्गत कह सकते हो विविधता बहुत ज्यादा है, इसीलिए हमें ये विषय बहुत ही तेज गति से बढ़ता हुआ भी जा रहा है। 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में फ्रांस के विचारक थे जिसको बोलते हैं ऑगस्ट कॉम्टे, इनको समाजशास्त्र का जनक भी बोला जाता है, समाजशास्त्र का जनक। ठीक है, तो समाजशास्त्र का जनक भी इन्हें ही बोला जाता है। इसके अलावा समाजशास्त्र का नाम सामाजिक भौतिक रखा था ऑगस्ट कॉम्ट ने, लेकिन 1838 में इसको बदलकर उन्होंने क्या रख दिया, समाजशास्त्र। तो आपसे क्वेश्चन यहां पर ही बन जाता है एक नंबर का, ठीक है। इसी कारण कॉम्टे को समाजशास्त्र का जनक भी कहा जाता है। फोर्थ है समाजशास्त्र को एक विषय के रूप में विकसित करने में इमाइल दुर्खिम, हर्बर्ट स्पेंसर तथा मैक्स वेबर आदि विद्वानों के विचारों का काफी योगदान भी रहा है, इसी वजह से इसकी उत्पत्ति देखने को मिलती है। और भारत में समाजशास्त्र के उद्भव के विकास का इतिहास बहुत ज्यादा प्राचीन है, स्टार्टिंग से चला हुआ आ रहा है, बस नया सब्जेक्ट नाम नहीं देते थे लेकिन उसको हम अलग अलग रूप में पढ़ते जरूर चलते थे। भारत में समाजशास्त्र विभाग 1919 में मुंबई विश्वविद्यालय में शुरू हुआ और औपचारिक अध्ययन हमारा 1919 से शुरू हो गया, ठीक है। और है हमारा फिर लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन
क्वेश्चन नंबर 19, समाजशास्त्र और मनोविज्ञान में संबंध बताइए। ठीक है, तो इस चैप्टर का हमारा ये लास्ट क्वेश्चन है, समाजशास्त्र और मनोविज्ञान में अंतर। तो देखो, समाजशास्त्र मानव विज्ञान, मानव व्यवहार सीखने से संबंधित है, और मनोविज्ञान मानव मस्तिष्क के अध्ययन से संबंधित है। इसमें मानव के मस्तिष्क का अध्ययन किया जाता है, और समाजशास्त्र एक बड़े समूह या समाज के साथ सौदा करता है, लेकिन मनोविज्ञान व्यक्तियों या छोटे समूहों से संबंधित होता है। समाजशास्त्र एक अवलोकन प्रक्रिया के रूप में किया जा सकता है, मनोविज्ञान को एक प्रयोगात्मक प्रक्रिया के रूप में जाना सकता है, जिसमें हम प्रयोग कर रहे हैं। ठीक है, समाजशास्त्र लोगों के संपर्क से संबंधित होता है, ठीक है, और मनोविज्ञान मानव भावनाओं से संबंधित होता है। समाजशास्त्र मानता है कि एक व्यक्ति का कार्य उसके आसपास या समूह से प्रभावित होता है, लेकिन मनोवैज्ञानिक अध्ययनों में यह माना जाता है कि व्यक्ति सभी गतिविधियों के लिए अकेले जिम्मेदार होता है, इसमें समाज का कोई भी रोल नहीं होता। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए। ठीक है, तो आपने इसमें देखा होगा कि मैंने इसमें ज्यादा डिटेल में आपको नहीं चीजें कराई है, उसके पीछे का कारण यह है क्योंकि मैं चैप्टर के अंदर बहुत डिटेल में करा चुका हूं, तो मेरे को अभी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसर आपको कराने थे, तो शॉर्ट टाइम में आपका क्विक रिविजन, जिसको कह सकते हैं क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में, वो मैंने आपको कराया है। ठीक है, बाकी स्क्रीनशॉट आप इसको बीच बीच में ले सकते हैं। ठीक है, तो हमारा जो चैप्टर नंबर 1 है, ठीक है, इसके जो भी मोस्ट इंपोर्टेंट मेरे को क्वेश्चन आंसर लग रहे जो आपसे पिछले एग्जाम्स में ही पूछे गए हैं, ठीक है ना, लॉन्ग एंड शॉर्ट ये आपके यहाँ से क्लियर हो जा रहे हैं। ठीक है, तो आप का जो दायित्व है वो यही चीज है कि वीडियो को ज्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ठीक है, अपना आप सपोर्ट बना के रखिए। ठीक है, और मिलता हूं मैं आपसे अगले चैप्टर, चैप्टर नंबर 2 में मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसर के साथ। आज के लिए धन्यवाद।